हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। हमने पिछली क्लास में अपना स्टार्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, जिसमें हमने एक पार्ट कवर किया था जो कि था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में, जो कि मेनली हमारा सेक्शन 124 और 125 में एक्सप्लेन है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्योंकि हमारा जो इंडेमनिटी एंड गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्लेन ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किया गया है, हालांकि इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेशल कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है। तो आज हम जो पार्ट करने वाले हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे सेक्शन 126, 127 और साथ ही साथ सेक्शन 128। सबसे पहले ये देख लेते हैं हमने पिछली क्लास में क्या किया था। हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में, इंडेमनिटी किसे कहते हैं, कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं और इसमें कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट आपके होने चाहिए और आपकी जो इंडेमनिटी होल्डर है उसके राइट क्या है अगर उसको सू कर दिया जाता है। तो ये हमने बेसिकली तीन पेज के हमारे नोट्स कवर किए थे। हालांकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हो हमारी प्रीवियस वीडियोस में जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में। और इसका पोर्शन हम करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जिस सेक्शन में एक्सप्लेन किया गया है बच्चे, वो है सेक्शन नंबर 126, जिसमें बताया गया है कि एक गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जाता है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जाता है गारंटी का, ये जानने से पहले आपको हम गारंटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे देते हैं। यहाँ पे गारंटी होती क्या है, यानी कि जब आप किसी दूसरे पर्सन के फेवर में एक ये बोल देते हो कि अगर ये पर्टिकुलर पर्सन आपकी लायबिलिटी जो भी बनती है वो देने में असमर्थ होता है, या फिर आगे जाके फ्यूचर में आप जो आपने जो इसको फेवर किया है, जो मनी दी है या कुछ भी पेमेंट की है, अगर ये नहीं दे पाता तो इसके बदले में मैं वो पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि आप गारंटी दे रहे हो कि अगर ये पर्सन फेल हो जाता है अपनी जो अथॉरिटी के अंदर, अपना जो भी इसने काम करना है वो करने में, तो मैं वो पेमेंट आपको करूंगा। अब एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं। आपने देखा होगा जब बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे भी आपसे गारंटी ली जाती है कि अगर कल को आप पेमेंट नहीं कर पाए तो आपकी जगह हम किसको पकड़े, हम किससे कहें कि आप हमें पेमेंट कीजिए। तो वो क्या होता है, वो होता है कि आप उस पर्सन की गारंटी दे रहे हो कि भैया अगर इसने नहीं किया तो मैं ये चीज करूंगा, मैं इसके बिहाफ पे गारंटी लेता हूं, मैं इसके बिहाफ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के सेक्शन 126 में क्या बोला गया है इसके बारे में। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। यानी कि आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दोगे अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है। यहाँ पे आप ले लीजिए, आप है एक्स पर्सन, एक वाई और एक सेड। एक्स ने कहा वाई से कि भाई मुझे चाहिए 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख रुपीज मुझे चाहिए, तो आप मुझे उधारे दे दीजिए। अब एक्स ने तो कह दिया वाई को, वाई ने कहा कि भाई देख मैं तेरे को पेमेंट तो कर दूंगा लेकिन जैसे तेरी मार्केट में सिचुएशन है, जैसी स्थिति तेरी मार्केट में है, मुझे नहीं लगता तू मेरा लोन वापस दे पाएगा, तो मेरे लिए ये घाटे का सौदा हो सकता है, मैं तुझे कोई भी लोन नहीं दे रहा। तो एक्स ने कहा कि नहीं भाई देख एक काम कर, मेरी मार्केट में तो वैल्यू खराब है, तो एक काम कर, मेरा एक फ्रेंड है जेड, मैं उससे तेरे को गारंटी दिलवा देता हूँ, मैं उससे तेरे को गारंटी दिलवा देता हूँ कि अगर मैं लोन पे करने में फेल हो जाता हूँ, डिफॉल्ट कर देता हूँ, टाइम से पहले तेरी पेमेंट नहीं करता, तो तुझे पेमेंट वो पर्सन भी कर देगा, यानी ये जेड मेरी गारंटी ले लेगा। तो अब वाई ने कहा कि चलो यार जेड तो अच्छा आदमी है, इसने इसकी मार्केट में वैल्यू भी अच्छी है, तो मैं इसको लोन दे देता हूँ एक्स को। क्यों? क्योंकि जेड मेरे को गारंटी दे रहा है। अब यहाँ सिचुएशन देखिए बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यहाँ पे क्या हुआ है कि जेड ने गारंटी दी है एक्स की, एक्स की गारंटी दी है वाई को कि अगर एक्स डिफॉल्ट कर गया तो ये क्या करेगा, एक्स की जो भी लायबिलिटी बनती है वाई की तरफ वो पे ऑफ करेगा। एक्स की जो भी लायबिलिटी है, एक्स ने जो भी इसको देना है वाई को, वो जेड देगा। तो ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जहां पे गारंटी दी जा रही है कि अगर ये पर्सन फेल कर गया तो मैं उसके बिहाफ पे उसकी लायबिलिटीज डिस्चार्ज कर दूंगा। अब बात करते हैं इसमें पार्टीज कितनी होती हैं। तो देखिए अभी हमने एक्सप्लेन किया, एक्स था जिसको जिसके बिहाफ के लिए गारंटी दी जा रही थी,
वाई था जिसे गारंटी दी गई थी और जेड था जिसने गारंटी दी थी। तो पहले हम इसके नाम लिख ऐसे ही इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। गारंटी दी थी इन्होंने, गारंटी दी, इसने गारंटी ली थी किसकी, एक्स की, चलिए ली में आपको शायद कंफ्यूज जाओगे, इनको गारंटी दी थी, ठीक है, इनको गारंटी दी और एक्स के लिए गारंटी दी, एक्स के लिए गारंटी दी। अब क्या हुआ, देखिए आपने कॉमर्स के स्टूडेंट अगर आप हो तो आप सबको पता है एक वर्ड होता है डेटर और एक होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर हम उसको कहते हैं जिसको हमने पैसा देना होता है, जिसको हमने पैसा देना होता है, जो हमारी लायबिलिटी होती है, हमारी उधारियां होती हैं, उनको हम कहते हैं क्रेडिटर। और जिस व्यक्ति से हमने पैसा लेना होता है, जिस व्यक्ति से हमने पैसा लेना होता है, हम उसको कहते हैं डेटर। तो इन्हीं दो वर्ड्स को यहाँ पे लिया गया है। तो जहां पे इस सिचुएशन में एक ऐसा व्यक्ति है यानी एक्स, जो कि यहाँ डेटर है क्योंकि इससे पैसा लिया जाएगा, तो ये डेटर है। अब आप कहोगे डेटर तो यहाँ पे दो बंदे हैं क्योंकि इससे भी लिया जाएगा और अगर ये नहीं दे पाया तो कौन देगा, जेड देगा। तो इसलिए यहाँ एक वर्ड ऐड किया गया, प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, प्रिंसिपल डेटर। यानी सबसे पहले किससे लिया जाएगा, एक्स से, तो इसका नाम दिया गया प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल डेटर एक्स। तो पहली पार्टी होगी प्रिंसिपल डेटर एक्स की। अब दूसरा पर्सन जिसको पैसा लेना है, यानी जिसको पैसा देना है, हमने जिसको पैसा देना है, ठीक है, जिसने लायबिलिटी दी हुई है किसी और पर्सन को, जिसने उधार दिया हुआ है, तो उसको क्या कह दिया हमने, क्रेडिटर। तो यहाँ पे वाई हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर, वाई हो गया क्रेडिटर। अब तीसरा पर्सन जो बचा है जेड, जिसने ये श्योर किया है कि अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पे करूंगा, तो यहाँ क्या है, ये कह रहा है कि मैं तुझे श्योर करता हूँ कि ये पेमेंट नहीं करेगा तो मैं करूंगा। तो यही श्योर करने के नाम से इसका नाम बना दिया गया श्योरिटी, ये श्योरिटी बना गया। अब देखिए तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। पहला श्योरिटी, पर्सन हु गिव्स द गारंटी, जिसने गारंटी दी है। प्रिंसिपल डेटर, पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, यानी एक्स यहाँ पे, कि अगर ये डिफॉल्ट होगा तो मैं इसकी पेमेंट करूंगा, यानी इसके डिफॉल्ट के लिए गारंटी दी गई है, तो ये हुआ प्रिंसिपल डेटर। पर्सन टू होम द गारंटी इज गिवन, यानी जिस पर्सन को गारंटी दी गई है वो हमारा हो गया क्रेडिटर। तो ये तीन पार्टीज आपकी इसमें इन्वॉल्व होती हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, ठीक है। आई होप ये तीनों क्लियर हुआ हो। चलिए एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं यहाँ पे। व्हेन एक्स रिक्वेस्ट टू वाई टू लेंड 10,000 टू जेड, यानी क्या है, एक्स ने रिक्वेस्ट किया है वाई को कि आप जेड को 10,000 रुपए दे दीजिए, एंड गारंटी दैट जेड विल रिपे द अमाउंट, और गारंटी भी देता है कि मैं जेड की गारंटी लेता हूँ कि मैं उसका पेमेंट आपको रिपे कर दूंगा अगर वो डिफॉल्ट होता है विद इन द अग्रीड टाइम, एंड दैट ऑन जेड फॉलिंग टू डू सो ही विल हिमसेल्फ पे टू वाई, देयर इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बस इसमें नाम चेंज है, ठीक है, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह जेड। तो ये समझ आपको आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है और इसमें कितनी पार्टीज होती हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कितने अग्रीमेंट बनते हैं। अब देखिए जैसे कि आपने देखा इसमें तीन पर्सन होते हैं, एक आपका हो गया श्योरिटी, एक हो गया प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, एक आपका है क्रेडिटर। तो तीन पार्टी है। अब तीन पार्टी है तो अग्रीमेंट कितने हैं, तो वो भी आपको देखिए। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज अ ट्रिपार्टाइट अग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। इसमें अब कितने कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं आपके, तीन कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। देखिए तीन कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, ये देखिए पहला जो कॉन्ट्रैक्ट आपका बनता है वो होता है प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, अ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है वो तो बना डेटर और क्रेडिटर में कि भाई तूने मुझे माल दिया, तूने मुझे पेमेंट किया या तूने मुझे लोन दिया तो मैं तुझे इसका अमाउंट पे कर दूंगा। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट तो आपका ये हो गया जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट भी, ठीक है, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट। पहला कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट बनता है क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में कि क्रेडिटर कहता है कि भाई तू इसकी श्योरिटी ले रहा है कि अगर इसने पेमेंट नहीं की तो तू पेमेंट करेगा,
तो ये क्या कह रहा है, ऑब्वियसली गारंटी ले रहा है, पेपर पे साइन करवा रहा है, तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा अग्रीमेंट इन दोनों के बीच में बना। पहला बना डेटर एंड क्रेडिटर के बीच में, दूसरा बना क्रेडिटर एंड श्योरिटी के बीच में, और तीसरा ऑब्वियसली नो डाउट प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में। क्यों? क्योंकि श्योरिटी तो बोल देगा कि भाई तू डिफॉल्ट कर गया, पेमेंट मेरी जेब से गई, मुझे क्या मिला, बाबा जी का घंटा, मुझे कुछ नहीं मिला। क्योंकि इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में आप प्रीमियम दे रहे होते हो, आप आपने अगर इंश्योरेंस लिया है तो आप प्रीमियम दे रहे होते हो, तो दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल रहा होता है। तो इसमें क्या मिला, इसको कुछ भी नहीं मिला श्योरिटी को। तो यहाँ पे इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर मैंने तेरे डिफॉल्ट होने पर पेमेंट की, या कोई मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हुई और मैंने वो किया, तो मैं वो रिकवर करूंगा तेरे से। तो यानी यहाँ पे तीसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी के बीच में। अब देखिए, एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर, वेयर बाय प्रिंसिपल डेटर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी इफ द श्योरिटी इज मेड टू पे और परफॉर्म। और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है आपका, ये इम्प्लाइंड है। अगर आप ये लिखोगे नहीं ना, तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं एसेंशियल फीचर ऑफ अ गारंटी के बारे में। एसेंशियल फीचर क्या क्या है? पहला फीचर तो आपका है प्रिंसिपल डेप्ट का, प्रिंसिपल डेप्ट का। द पर्पज ऑफ गारंटी बींग टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ द डेप्ट। पर्पज क्या है गारंटी का, गारंटी क्यों दी जा रही है? इसलिए दी जा रही है कि जो प्रिंसिपल डेप्ट है, यानी जो पेमेंट है, वो रिकवर कर लिया जा सके, ऐसा ना हो कि वो रिकवर ना हो। तो इसलिए इसका जो एसेंशियल फीचर है वो होता है कि प्रिंसिपल डेप्ट को रिकवर करना नेसेसरी हो जाता है। प्रिंसिपल डेप्ट को रिकवर करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट आपका बन रहा होता है। तो ये आपका पर्पस होना चाहिए कि प्रिंसिपल डेप्ट रिकवर हो, तभी ये आपका एक गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। दूसरा आपका है कंसिडरेशन, एनी प्रॉमिस मेड, ठीक है, कोई भी प्रॉमिस आपने मेड किया, प्लस एनीथिंग आप करने वाले हो, एनीथिंग डन आपने कर दिया है फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, किसके लिए, प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट के लिए, तो क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन फॉर गारंटी। गारंटी दे रहे हो आप, किस लिए, क्यों दे रहे हो, तो उसके लिए क्या है, कंसिडरेशन फॉर गारंटी तब माना जाएगा जब कोई प्रॉमिस दिया गया हो, ठीक है, कुछ करने का फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट के लिए। कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल डेप्टर इज सफिशियंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। अब देखो, आप कहोगे कि श्योरिटी को क्या कंसिडरेशन मिला है, तो देखिए, जो प्रिंसिपल डेटर को कंसिडरेशन मिला है, मान लीजिए डेटर ने कहा कि मैं तेरे को 1 लाख पे माल ले रहा हूँ तेरे से, मैं पेमेंट कर दूंगा, तो यहाँ पे कंसिडरेशन क्या मिल रहा है इसको, कुछ ना कुछ स्टॉक मिल रहा है। तो एक तरह से यही माना जाएगा कि जो कंसिडरेशन यहाँ पे डेटर को मिला है, वो इसके श्योरिटी के लिए भी माना जाएगा कि ये श्योरिटी को भी कंसिडरेशन यही मिला है। नेक्स्ट, इफ द प्रिंसिपल डेटर इज इन कंपोनेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, द गारंटी इज वैलिड। अब देखिए, आप सबने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट, जब हम कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट पढ़ रहे थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उसमें हमने पढ़ा था एसेंशियल एलिमेंट के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि दोनों पार्टीज स्टेबल होनी चाहिए, दोनों पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट में जो आ रही हैं, वो पूरी तरीके से कंपोनेंट होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। पर इस केस में क्या है बच्चे, इस केस में ये बोला गया है कि जो प्रिंसिपल डेटर है, अगर वो इनकॉम्पिटेंट और है टू कॉन्ट्रैक्ट के, यानी माइनर है अगर, या कुछ और है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं हो रहा, या उसके एबिलिटी नहीं है, स्टिल वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जो इसके ऊपर का पर्सन है, यानी जो श्योरिटी है, वो यहाँ पे कंपोनेंट हो तभी। यानी डेटर अगर इनकॉम्पिटेंट है और जो श्योरिटी है वो कॉम्पोनेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है, इसको इनवैलिड नहीं कहा जा सकता, ठीक है। और ये कब होगा? जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो तभी होगा, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं होता। इफ द प्रिंसिपल डेटर इज कंपोनेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, द गारंटी इज वैलिड, बट इफ श्योरिटी इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, द गारंटी इज वर्ड, ठीक है। अगर श्योरिटी यहाँ पे इनकॉम्पिटेंट है, तो फिर ये गारंटी वर्ड हो जाती है। नेक्स्ट वन इज एक्सिस्टेंस ऑफ अ लाइबिलिटी। देखिए, लाइबिलिटी होगी तभी तो कोई किसी चीज की श्योरिटी देगा, कोई कहेगा कि हाँ मैं गारंटी लेता हूँ। अगर लाइबिलिटी नहीं है, तो कौन सी गारंटी, काहे की गारंटी और काहे का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो लाइबिलिटी होगी तभी यहाँ पे आपका गारंटी मिल सकेगी। देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी और अ प्रॉमिस हुज परफॉर्मेंस इज गारंटेड।
नेक्स्ट इज नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट्स. देखिए कई बार क्या होता है, अगर आपने गारंटी ले ली, ठीक है, एनी गारंटी इज इनवैलिड विच हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय द मीन ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन बाय द क्रेडिटर और विद हिज नॉलेज एंड एसेट. क्या हुआ, अब यहाँ पे एक था एक्स और वाई. एक्स वाई दोनों थे अच्छे फ्रेंड. उन्होंने कहा कि चल भाई हम दोनों ना एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैं एक गारंटी को मार्केट से उठा लेता हूँ किसी और पर्सन को जिससे मेरी जान पहचान है. हम क्या करेंगे, हम उसकी गारंटी ले लेंगे, उससे कुछ फैक्ट्स छुपा लेंगे, मिसरिप्रेजेंट करेंगे कि हम एक्चुअल में किस चीज़ की गारंटी लेना चाह रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्स का मिसरिप्रेजेंटेशन करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उससे गारंटी ले लेंगे, ठीक है, गारंटी ले लेंगे और बाद में हम पेमेंट नहीं करेंगे और उसी से हम गारंटी जो उसने दी है उससे ही पैसा ले लेंगे. एक तरीके से क्या हुआ कि आपने गारंटी ले ली मिस रिप्रेजेंट करके और कंसीलमेंट करके. मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है आप गलत तथ्य बता रहे हो और कंसीलमेंट का मतलब होता है कि आप उनसे सबको छुपा रहे हो. तो ये बात अगर क्रेडिटर को पता है, यानी लोन देने वाले को पता है कि यहाँ पे गारंटी जो ली गई है वो मिस रिप्रेजेंटेशन से ली गई है, तो वो आपका वैलिड गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. और ये बात की गई है सेक्शन नंबर 142 में. सेक्शन नंबर 142 में बच्चे बताया गया है मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में, और उसके नेक्स्ट सेक्शन में यानी 143 में बताया गया है कंसीलमेंट के बारे में. कंसीलमेंट का मतलब अभी मैंने आपको बताया, एनी गारंटी विच द क्रेडिटर हैज ऑब्टेन्ड बाय मीन ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल सर्कमस्टेंसेस इज इनवैलिड. अब क्या है, यहाँ पे आपने सर्कमस्टेंसेस बताए नहीं, आप चुप रहे, आपने उनको एक्चुअल फैक्ट्स नहीं बताए क्रेडिटर ने, तो इस केस में क्या होगा, ये इनवैलिड होगा, ठीक है, वैलिड नहीं होगा, वॉइड भी नहीं होगा, इनवैलिड होगा. नाउ सेक्शन 126 में क्या बोला गया है, राइटिंग नॉट नेसेसरी. अ गारंटी में भी इधर ओरल और रिटर्न, आपकी जो गारंटी है वो ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आपको राइटिंग में ही देना होगा. चलिए अब बात करते हैं गारंटी कितने टाइप की होती है. आप कहोगे गारंटी में कौन सा टाइप आ गया, गारंटी तो गारंटी होती है. नहीं बच्चे, गारंटी दो टाइप की होती है, एक आपकी होती है स्पेसिफिक गारंटी, एक आपकी होती है कंटिन्यूइंग गारंटी. पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं फिर आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कनेक्ट कर पाओगे. देखिए एक्स है एक जो कि सप्लायर वाई से ही अपना माल खरीदता है. एक्स का एक फ्रेंड है जो कि बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी है, जेड. एक्स ने कहा कि भाई देख मैं ना जेड से ही अपने सारा सामान खरीदता हूँ, उधार पे खरीदता हूँ, तो मैं क्या चाह रहा हूँ तू ना मेरी गारंटी दे दे यार, ठीक है, तेरी मार्केट में वैल्यू भी अच्छी है, तू मेरी गारंटी दे देगा तो वो ज्यादा चिक चिक भी नहीं करेगा और मुझे माल भी टाइम टू टाइम देता रहेगा, थोड़ा उधार भी ज्यादा कर लेगा, ठीक है. अब इसने कहा कि ठीक है मैं गारंटी दे देता हूँ, पर तुझे कैसी गारंटी चाहिए, क्या चाहता है. तो इसने कहा कि देख यार तू ना एक गारंटी दे दे, बस एक गारंटी दे दे. कौन सी, कि एक लाख रुपए तक का माल इस तारीख को इस डेट को ये मुझे देगा तो उसकी गारंटी दे दे. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ सिर्फ एक ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी दी जा रही है. इसने क्या बोला कि एक लाख का गारंटी दे दे बस, जो कि इस डे इस वक्त ये मुझे माल देने वाले हैं. तो ये स्पेसिफिक गारंटी है जो कि केवल एक ही ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी दी गई है. दूसरा, अब इसका दिमाग था स्मार्ट, ठीक है. इसने क्या किया, इसने ये नहीं बोला कि तू मुझे एक ही गारंटी दे दे, इसने बोला कि तू ये गारंटी दे दे कि आने वाले एक महीने तक जितनी भी हमारे ट्रांजेक्शन होने वाली है, आने वाले एक मंथ तक जितनी भी हमारे ट्रांजेक्शन होने वाली है तो उसकी गारंटी दे रहा है. तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन के अमाउंट है, जो ट्रांजेक्शन की लिमिट है, वो जो है स्पेसिफाई नहीं है, वो बदलने वाली है. एक ट्रांजेक्शन हो सकती है, 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, इस टाइम पीरियड के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी उसके लिए ये लायबल होगा. तो ये होता है कंटिन्यूइंग गारंटी जो कि हमारी लिखी गई है सेक्शन 129 में. तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी जब दे देगा तो एक महीने के अंदर होने वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी ये उसके लिए लायबल हो जाएगा, ये उसकी श्योरिटी बन जाएगा हर उस एक महीने के अंदर होने वाले ट्रांजेक्शन के लिए. तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक, जहां एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी दी गई हो. और कंटिन्यूस को हम कब कहते हैं, जब एक गारंटी दी गई हो एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए. इन द कंटिन्यूइंग गारंटी द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी कंटिन्यू टिल द परफॉर्मेंस और द डिस्चार्ज ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन टू और द गारंटी इज विड्रॉ.
अब देखो ये कंटिन्यू गारंटी जब दे देगा, वो गारंटी कब तक रहेगी, जब तक 1 महीने के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन है, लेट सपोज 10 ट्रांजेक्शन हुई है, अगर 10 की 10 ट्रांजेक्शन का पेमेंट एक्स ने आराम से वाई को कर दिया है, तो जैसे ही उसकी लास्ट ट्रांजेक्शन का वो अमाउंट पे कर देगा, उसी वक्त गारंटी जेड की खत्म हो जाएगी, वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी गारंटी से, या फिर जो ट्रांजेक्शन हुई है वो कैंसिल हो गई है एंटर, या फिर खत्म ही हो गई है, परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही, तो वो सब क्या है, ये हो गया कि उसकी गारंटी डिस्चार्ज हो जाएगी जेड की, ठीक है, या जेड नोटिस दे देता है कि भैया देख मेरे को अब से तेरी जो गारंटी चल रही है ना कंटिन्यू वाली, मैं उसमें अब पार्ट नहीं ले सकता, तो फ्यूचर में जितनी भी तेरी ट्रांजेक्शन होने वाली है मैं उसकी गारंटी नहीं दे रहा, और पास्ट में जितनी ट्रांजेक्शन हो चुकी है उसकी गारंटी तो उसको लेनी ही पड़ेगी, फ्यूचर की गारंटी के लिए वो नोटिस दे के उसे खत्म कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हुई आपकी स्पेसिफिक एंड कंटिन्यूस गारंटी के बारे में। अब बात करते हैं सेक्शन 128 के बारे में, जिसमें एक्सप्लेन किया गया है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। श्योरिटी ने तो भैया देखो बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने अपनी गारंटी दे दी कि चलो मैं इस इंसान के फेवर में गारंटी दे देता हूँ, उसको क्या पता था कि सामने वाला पर्सन अंदर से कैसा है, उसको धोखा दे रहा है, क्या कर रहा है। तो लॉ में ये बता दिया गया कि जो श्योरिटी है, जिसने गारंटी दी है, उसकी लायबिलिटी भी एक लिमिट तक ही है, आप उसको एक लिमिट तक ही उससे पैसा ले सकते हो, उससे बाहर जाके नहीं ले सकते। और इसकी लायबिलिटी जो है उसका नेचर क्या है, ये एक्सप्लेन है सेक्शन नंबर 128 में। तो द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ ऑल द प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए अगर इसको बहुत ही समराइज वे में मैं आपको बताऊं इस लाइन का मतलब, तो सबसे पहले लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज ऑफ सेकेंडरी नेचर। क्या है? सेकेंडरी नेचर है। सेकेंडरी नेचर कैसे है बच्चे? क्योंकि पहले जो गला पकड़ा जाएगा वो पकड़ा जाएगा प्रिंसिपल डेटर का, ठीक है, प्रिंसिपल डेटर का, कि तू मुझे पेमेंट कर। अगर वो नहीं करता उसके बाद हम जाते हैं श्योरिटी के पास, तो जो इसकी लायबिलिटी है वो है सेकेंडरी लायबिलिटी, ठीक है, ये सेकेंड नेचर पे लायबल है। ही इज लायबल ओनली ऑन डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। नेक्स्ट वन इज हिज लायबिलिटी अराइज इमीडिएटली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर। जैसे ही प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट किया वैसे ही इसकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। क्रेडिटर हैज़ अ राइट टू सू द श्योरिटी डायरेक्टली विदाउट फर्स्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। देखो कोई एक इंसान था जिसने गारंटी ली, मतलब पेमेंट किया था प्रिंसिपल डेटर को, यानी क्रेडिटर जो था उसने पेमेंट किया था प्रिंसिपल डेटर को। अब ऐसा नहीं है कि पहले वो इसको सू करेगा और फिर ये पूरा केस लड़ेगा, ये कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है और फिर वो जाएगा श्योरिटी के पास। नहीं, क्रेडिटर सीधा का सीधा श्योरिटी को भी सू कर सकता है। अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट हो गया है तो वो सीधा सीधा श्योरिटी को सू कर सकता है। एक और बात, जो अमाउंट प्रिंसिपल डेटर ने देना है उतने ही अमाउंट तक आप श्योरिटी को लायबल ठहरा सकते हो, उससे ज्यादा अमाउंट तक आप श्योरिटी से को लायबल नहीं ठहरा सकते। मान लीजिए आपने लोन दिया है 1 लाख का, आप जाके कह रहे हो तू मुझे 1.5 लाख दे। क्यों दे? क्योंकि तेरी वजह से मेरा लॉस हो गया। नहीं, जितने का लोन दिया है उतना ही मैं पेमेंट करूंगा, साथ ही साथ अगर इंटरेस्ट का कुछ लायबिलिटी बनती है तो वो मैं दूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट पे एनीथिंग जो तुम बोलोगे, ठीक है। लायबिलिटी उतनी ही हुई है जितनी डेटर की बनी है। तो ये था हमारा आज का सेकेंड पार्ट, जिसमें हमने मेनली किया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और इंडेमनिटी के डिफरेंस के बारे में, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ श्योरिटी एंड जितने भी आपकी पार्टीज हैं। सो आई होप आपको समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।